हे गाइस, आप लोग आजकल एक न्यूज तो सुन रहे होंगे, रोनाल्डो ने कोको कोला का बोतल साइड किए और कोको कोला का शेयर प्राइस डाउन हो गया। बट इसके पीछे की असली वजह किसी को नहीं पता। तो एक्चुअल में ये दोनों किसी भी एंगल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो सर जो वाटर बॉटल उठाए वो भी कोको कोला का ही था। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके एक मूव के वजह से शेयर प्राइस डाउन हुआ है, इसलिए हम रोनाल्डो सर को इस लॉस की वजह तो नहीं मान सकते, क्योंकि उनका मोटो बस हेल्दियर लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का था। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कोको कोला के शेयर प्राइस 0.9% डाउन चल रहे थे, फिर जब ये सिनारियो हुआ तो उस दिन शेयर प्राइस बढ़ा, फिर नेक्स्ट डे से और नीचे जाने लगा। नहीं तो आप खुद सोचिए, कोको कोला जो कि स्पॉन्सर थी ये इवेंट का, क्या वो ये बेइज्जती संभाल पाता? कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, और इसका कारण कोई एक इंसान नहीं हो सकता है। इवन कंपनी भी यही बोली, एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस। आजकल के ये मीम वाले दुनिया में हर कोई अपना जजमेंट दे देता है, जबकि ओरिजिनल स्टोरी किसी को नहीं पता होती है। तो ये था रोनाल्डो वर्सेस कोको कोला की ओरिजिनल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।